आपको इंतजार था, यहाँ है हमारे सर चंद्रदेव सर. हाउ आर यू फीलिंग लाइक? वेरी एक्साइटेड. वांट टू गेट इट गोइंग नाउ. थैंक यू. एंड आप सब भी जरूर आइएगा. 5 दिन एग्जीबिशन है, आप कभी भी आ सकते हैं एंड देख सकते हैं आप हमारा. बस वी आर रेडी टू डू मोर. तो स्टे ट्यून्ड. कलर हैंडलिंग कलर इज नॉट वेरी इजी.
लेकिन जो लोक चित्रकार होता है, लोक कला का चित्रकार, वो रंग को इतनी सहजता से इस्तेमाल करता है और उसको पता है कि ये कई सालों से होता है। तो चाहे हम मधुबनी पेंटिंग देखें, चाहे वारली पेंटिंग देखें, या किसी भी लोक कला, लोक शैली की कला देखें, उसमें जो रंगों का इस्तेमाल है वो बहुत ही आदरपूर्वक और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज किया गया। ये लोक कला का एक क्षमता है। And I'm very happy to say that you will see here artwork done by 6-year-old boy and girl. And at the same time, we'll have my Guruji's painting also here. Right? So all the way from a small kid to the most professional artist you can see, we are very happy in this way. So for me, this is the start of journey. And I'm very, very happy that you all have supported this. I really want to thank you. And of course, a lot of the artists will come all the way from different places to help us just make a small journey go longer. So with that, I'll thank you again. Thanks for coming. मैं कहूँगी कि thank you so much everyone for supporting and we will be honored कि आप सब ये paintings देखें और हमें जरूर and all the suggestions are welcome and mostly from Rajiv sir. अच्छा या प्रदर्शन अच्छा निमित्तान तो होणाऱ्या लोककला या कशा जीवी ठेवता येतील, त्यांचं पुनरुज्जीवन कसं करता येईल आणि त्या कला वृद्धिंगत कशा करता येतील यासाठी आजचे या प्रदर्शनामध्ये जमलेले सर्व उपस्थित मान्यवर त्याचबरोबर कलाकार हे सर्वजण प्रयत्नशील असल्याचं आपण इथे पाहिलं। आज या प्रदर्शनाला काही नवोदित कलाकार देखील इथे उपस्थित राहिलेले आहेत। क्योंकि उसी को देखकर हमें ये पता चलता है, हम ये महसूस करते हैं कि सदियों पहले ऐसे कलाकार हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं, ये जो शैली आई है चित्रकला की और अलग अलग जगहों में हमारे ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, और इतनी प्रतिभाएं थी कि कैसे, जैसे अभी हमारे यहाँ राजीव जी ने कहा, विशा जी ने, कि इस चीज़ को बनाने के लिए रंगों से जो खेलना है और तस्वीर को एक जीती जागती बोलती हुई तस्वीर पैदा कर देना उन रंगों से, उसके लिए खाली हाथ का चलना जरूरी नहीं, उनका मन कितना उसमें लगता होगा, कितने जैसे अंदर कोई रूह से उस चीज़ को और उसमें रंग पिरोना है। तो ये जो कमाल की चीज़ें हम देखते हैं अभी, वो जो पिछवाई पेंट्री राजस्थान की आप देखिए, उसमें मेरे ख्याल से 400-500 साल पुरानी वो है, निवास से शुरू हुई थी, इसके द्वारा जो पेंटिंग है कृष्ण, वो पूरी कृष्ण की लीला जो है वो रंगों से, पेंटिंग से वो व्यक्त कर देते हैं, कृष्ण के अलग अलग रूप व्यक्त कर देते हैं। ये इस कला का कहीं भी किसी की पब्लिसिटी नहीं है, जो आज का ज़माना है, जैसे लोग बड़े नेटवर्क में बड़ा एक्टिव रहते हैं, तो हमारे यहाँ कला को एनहांस नहीं किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया, पहली बात को किसी को अवेयरनेस ही नहीं, कला किस तरह की कला हमारे यहाँ बनती थी या बन रही है, ये कैसे लुप्त होती जा रही है, ये आज की जनरेशन उसका इल्म ही नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है। सबसे पहले तो वो अवेयरनेस डालनी बहुत ज़रूरी है, वो सब गवर्नमेंट का काम है, जैसे सब काम पब्लिसिटी इस कला को लेके इस हद तक होनी चाहिए कि हर एक के पास ये मैसेज पहुँचे कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड माइकल एंजलो और वो लोग इस सब का जो आप देखते हैं बहुत तारीफें करते हैं, यूरोप होके आते हैं, आप कहते हैं वाह हमने वहाँ का कल्चर देखा साहब, उसका मुकाबला नहीं। अरे यार देख तो लो पहले, आपको पता ही नहीं है हमारा कल्चर क्या है, तो उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे कल्चर, हमारे भगवान कब हम देखेंगे, कब तक हम वेस्टर्न कल्चर और भगवान देखते हैं, तो मैं करूँगा। तो मेरे ख्याल से ये उनका मेन उद्देश्य था कि ये सब हमारे जो कल्चर उसमें कलाएँ भी हैं वो लोगों को पता होने चाहिए, मेरे ख्याल से दैट वाज अ पायनियरिंग इफेक्ट। और उसको ये भी पता चला कि इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर यह धंधा स्वदेशी हो जाएगा। Exactly, they do only copying things. It is safe for at least half an hour. We are moving their hands.
या फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियन फोक आर्ट गैलरी में जो हमारी टीम है, जो हमारा सपोर्ट है, उनसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मिस्टर वासु जी हैं, मिस्टर रमेश जी एंड मिस्टर गिरीश जी एंड ये नेहा जी हैं एंड इन सबकी, ये हमारी इंडियन फोक आर्ट की टीम है जो साथ में वर्क करती है आप तक रियल ट्रेडिशनल आर्ट पहुँचाने का। तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करिए, ज़रूर आइए इस एग्जीबिशन में जो 5 मार्च तक है कमल नयन हॉल मुंबई में। थैंक यू सर।